डिजिटल मनी के इंडिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे बात करने वाला हूँ राइनो फाइनेंस की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है रूबी प्लस। तो यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने राइनो फाइनेंस को मेल करा था कि रूबी प्लस हमें जो है रिकवरी के लिए परेशान कर रही है और वो हमसे हमारे पास कॉल कर रही है, कंटिन्यूसली कॉल आ रहा है और हरेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में उन्होंने मेल करा रिकवरी वो उनकी NBFC को, और उनकी NBFC से क्या रिप्लाई आया है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ उसका क्या सलूशन हो सकता है अगर ऐसी ऐप्स कोई परेशान करे जिनकी NBFC उन्हें हटा चुकी हो या फिर टर्मिनेट कर चुकी हो या सस्पेंड कर चुकी हो या फिर उनकी NBFC बोलती हो कि हम कोई कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए आपको बता देता हूँ बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं राइनो फाइनेंस का जो मेल आया है उस पर, देख सकते हो आप उन्होंने क्या कहा है कि द ऐप्स रूपी प्लस इज़ ऑन्ड बाय प्रीवियस DSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंट SGJK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, द स्कोप ऑफ द एजेंट वॉज गवर्न आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड नाउ। इसे बोल रहा है कि हाँ हमने टर्मिनेट कर दिया, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऐप्स बिजनेस लाइज विद द कंसर्न DSA ओनली। बोल सकते यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा उन्होंने कि हम जो NBFC हमारी है वो दिल्ली रजिस्टर्ड है NBFC से और RBI से, ठीक है, और इसके पास वैलिड ICC लाइसेंस है। आपका जो लोन जो डिस्बर्स हुआ था वो NBFC के थ्रू हुआ था। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे सारी जो एक्टिविटीज़ थी कलेक्शन वाली वो हमने बंद कर दी थी। अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है तो वो हमारे तरफ से नहीं आ रहा बल्कि फ्रॉड कॉल आ रहा है, तो आप ऐसे कॉल्स को इग्नोर करें, कंप्लेंट्स करें। तो यहाँ पे देख सकते हो वी लिखे हैं यहाँ पे वी अगेन वांट टू अश्योर यू दैट राइनो फाइनेंस इज़ नॉट मेकिंग एनी कलेक्शन कॉल एंड कॉल्स यू हैव रिसीव्ड आर नॉट रिलेटेड टू राइनो, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा राइनो फाइनेंस के नोडल ऑफिसर्स का ट्वीट है, ट्वीट एक्चुअल में नहीं है, मेल है, मेल पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने मेल करा था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सकते हैं कि यहाँ पे कलेक्शन की जो एक्टिविटीज़ है वो बंद हो चुकी है, फिर भी यहाँ पे इनकी जो कंपनी है, मतलब कंपनी क्या कुछ शायद रिकवरी एजेंट ही होंगे शायद जो ऐसा काम कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे किसी तरह हम पेमेंट अपनी वसूल लें, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं राइनो फाइनेंस की एक मेरे को ये सबसे बड़ी मिस्टेक लगती है, गलती लगती है, ये गलत काम वो कर रही है कि वो सिविल में रिपोर्ट कर रही है जो कि बेहद ही ज़्यादा गलत है। आपका इन सारे इशूज़ पे क्या कहना है वो हमें कमेंट करके आप बता दीजिएगा, और हम जल्दी ही लाइव स्टार्ट करेंगे दोनों ही चैनल्स पे और रेगुलर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी कुछ हेल्थ इशूज़ चल रहा था जिसकी वजह से हम यहाँ पे अभी रेगुलर नहीं थे, बट अभी हम यहाँ पर रेगुलर आने वाले हैं। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल्स की तो इग्नोर करें, और जब कंपनी ने कह दिया NBFC ने कह दिया है कि हमने पूरी तरीके से ये चीज़ें बंद कर दी हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरीके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल ले, इग्नोर करें और इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐप्स डाउनलोड कर ले जिससे अननोन नंबर आपके में ना आ सके। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।